Hey guys, what's up? I'm Tok Reddits and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? I hope आप सब बढ़िया होंगे. So guys, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं विजुअल फोटो एडिटिंग. क्योंकि गाइस हम काफी दिनों से मैनिपुलेशन एडिटिंग कर रहे थे एंड मैं सोचा क्यों ना एक विजुअल एडिटिंग भी करते हैं, क्योंकि यार विजुअल हमारा अकेले रह गया था, तो मैं सोचा क्यों ना हम विजुअल को अपने साथ ही खींच लेते हैं, तो मैनिपुलेशन के साथ ही आ गया. एंड इस एडिटिंग सबसे ज्यादा मेन है, जो इस एडिटिंग में सबसे ज्यादा मेन चीज है वो है उसका बैकग्राउंड. ठीक है, सो बैकग्राउंड पेज जो भी मैंने दिया है सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर डाउनलोड कर लो. फुल एचडी में गाइस बैकग्राउंड है. एंड गाइस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत इजी एडिट है. आप चुटकियों में एडिट कर सकते हो, तो स्टेप बाय स्टेप देखना, आप इजीली कर सकते हैं. सो गाइस एक चीज और, अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लें. एंड ये पिक आपको चेक करने जो इसका मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं. सो गाइस अब चले चलते हैं कहां, चलिए चलते हैं वीडियो तरफ. ओके, सो गाइस सबसे पहले आपको करना है, आपको कोई भी अपनी फुल फोटो लेनी, ठीक है, जिसमें आपको फुल बॉडी दिखनी चाहिए एंड आपको पोज किसी भी तरह का होना चाहिए. सो ये मुंबई गया था तो मैंने मुंबई में वहाँ पे क्लिक कर ली थी फोटो. सो फिर हमें क्या करना है गाइस, इसका बैकग्राउंड इरेज करना है. ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, टूल में जाऊँगा, फ्री क्रॉप में जाऊँगा, इसका बैकग्राउंड इरेज कर लूँगा. सो गाइस आपको नीचे दिख रहा होगा पत्थर, ये पत्थर या पीएनजी को मैं इरेज नहीं करूँगा, इसको अपनी फोटो के साथ लूँगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारे फोटो के ऊपर लगेगा अभी, क्योंकि सो मैं पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ पहले. सो गाइस मैंने फोटो का पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लिया. अब मैं सिंपली क्या करूँगा, डो टूल पे जाऊंगा, इस फोटो को मैं सेव कर लूंगा अपने मोबाइल में. ओके गाइस, सो अब हमें जाना बैक. बैक जाने के बाद गाइस हमको अलग बैकग्राउंड लेना है. ठीक है, इस बैकग्राउंड के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो फिर आपको अब आपको क्या करना है, एड फोटो पे जाना, सिंपली रॉक का पीएनजी लेना आपको, ये पत्थर का पीएनजी. ठीक है, सो ये पत्थर का पीएनजी आपको यहाँ पे लगाना सिंपल. ओके, ये जो रॉक का इन्हें पत्थर कहते हैं, रॉक पहाड़ कुछ भी कह सकते हो. सो इधर लगा के ऐसे डन कर देना. ओके, फिर अपनी एड फोटो पे जाना, अपनी फोटो को इसके ऊपर आपको लगाना है. सो गाइस जो नीचे पत्थर आपको दिख रहे हैं, फोटो मेरे ऑलरेडी पहले से थे. ठीक है, इसलिए मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको लगा के बता दिया ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी सिंपल फोटो को इरेज करके आप लगा सको. ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा नीचे रॉक को. एक मिनट गाइस, एंड सिंपली यहां से डन कर दूंगा. ओके गाइस, सो पिक्सआर्ट में हमको कुछ नहीं करना, बस आपको यही करना था पिक्सआर्ट के अंदर. फिर सिंपली हमें क्या करना है, इस फोटो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है. अब जो भी गाइस हमारा कमाल होएगा वो सब लाइटरूम बाबू में होएगा. सो गाइस कर लिया मैंने अपनी फोटो गाइड इसके अंदर. सो अब हम सिंपली इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे. तो सबसे पहले हमें जाना इधर, फोटो का एक्सपोजर बढ़ाएंगे हल्का सा, एंड शैडो को बढ़ाएंगे, एंड जो ब्लैक है ब्लैक को ऐसे कम कर देना है. ओके, देन हम जाना नीचे वाले टूल पे, यहाँ से मिक्स, देन ये वाला कलर सेलेक्ट करना, इसकी ह्यू को हल्का सा हमें कम करना, बिल्कुल हल्का सा 6 कर देंगे. एंड इधर जाना सेकंड कलर की, इसकी ल्यूमिनस को बढ़ा देना, इससे क्या होगा और फेस फेयर हो जाएगा, ऐसे आपको दिख रहा होगा. एंड यहाँ से डन कर देना. ओके, सो जो अब हमें इस फोटो का टेम्परेचर रखना है, इसको हमको ब्लू टोन में रखना है, तो इसके लिए हम टेम्परेचर को कम करेंगे ऐसे, ये 8 तक ले जाएंगे. एंड वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को हल्का सा कम ऐसे. ओके गाइस, सो अब हमें जाना नीचे वाले टूल पे, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, एंड जो विग्नेट है उसको ऐसे कम करना है. ठीक है, देन जाना नीचे वाले टूल पे, शार्पनेस को बढ़ा लेंगे, एंड जो भी फोटो के अंदर नॉइस वगैरह है गाइस उसको नॉइस रिड्यूसर से इंक्रीज कर देंगे ऐसे. देन इसके क्या होगा, जो फोटो के अंदर जितना भी नॉइस है सब खत्म हो जाएगा, एंड फोटो काफ़ी मस्त लगेगी गाइस. एंड नीचे कलर नॉइस रिड्यूसर को भी हल्का सा इंक्रीज कर देंगे हम. ठीक है, हमें जाना ऊपर वाले टूल पे, सेलेक्टेड टूल. मैं गाइस जानता हूँ सेलेक्टेड टूल हर मोबाइल में नहीं आता, तो मॉडर्न वर्जन में आता है. मॉडर्न वर्जन का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे डाउनलोड कर लो. सो अब अपने फेस पे ऐसे मारूंगा, क्योंकि जो मेरा फेस है उसकी स्किन ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रही, मतलब फेयर नहीं लग रहा, तो इधर जाऊँगा, ये सर गोला सेलेक्ट करूँगा, इधर जाके इसका एक्सपोजर बढ़ा दूंगा ऐसे हल्का सा, एंड यहाँ से डन कर दूंगा. ठीक है, देन दोबारा जाना है, इधर जाना है ग्रेडिएंट टूल पे, देन नीचे से हमको ऐसे ग्रेडिएंट मारना है ऐसे सिंपली. फिर इधर जाना, जो ग्रेडिएंट है उसका हमको एक्सपोजर ऐसे कम रखना है ऐसे, एंड यहाँ से डन कर देना. ओके गाइस, सो फोटो में थोड़ी चमक चाहिए तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यार जब भी आप एडिट करो ना कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा ले करो, थोड़ा सा कलर वगैरह मैच हो जाते हैं, काफ़ी मस्त लगती फोटो ऐसे. सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी है. ये देखिए गाइस, पिक्सआर्ट में इस तरह की फोटो थी, फेक लग रही थी, मज़ा नहीं आ रहा फोटो को. सो हमने लाइट रूम के अंदर कलर ग्रेडिंग करी, क्योंकि लाइट रूम ही कर सकते हैं. देखिए काफ़ी मस्त फोटो लग रही है गाइस, बिफोर एंड आफ्टर.
तो सिंपली हमें क्या करना है, थ्री रोड पर जाना, सेव टू डिवाइस, इस फोटो का हम HD में सेव कर लेंगे अपने मोबाइल में। सो गाइस आई होप आपको वीडियो एडिटिंग पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, एडिटिंग करो, मौज करो, लव यू ऑल, बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.